मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी सबसे मैं मांग कर रही हूँ कि आरक्षण की बात महिला पार्टी, महिला आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी करती है और हमेशा महिलाओं का मान सम्मान दी है। पहली महिला स्पीकर कांग्रेस पार्टी ही बनाई, राष्ट्रपति पहली महिला कांग्रेस पार्टी ही बनाई, तो उस हिसाब से बिहार में जो मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है उसमें हम दो MLA हैं, उसमें किसी एक MLA को महिला कोटा से मंत्री जरूर बनाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार यानी कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। आए दिन कोई ना कोई खबर कैबिनेट विस्तार को लेकर सामने आती रहती है। ऐसे में बता दें कि बार बार बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भेंट मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम कांग्रेस के नेता या RJD के नेता कह ले, ये तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पहुँचते हैं। बीते दिनों बता दें कि मोकामा से विधायक नीलम देवी जो है वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुँची थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की अपनी डिमांड है, जदयू की अपनी डिमांड है, राजद की अपनी डिमांड है, अपने डिमांडों को लेकर के तमाम जो है MLA कह ले, विधायक कह ले, वो तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद भी बीते दिनों तेजस्वी यादव से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे हुए थे। अब ऐसे में एक अलग डिमांड उठकर आ रही है कांग्रेस के सामने से, कांग्रेस के कोटे से, और वो ये है कि कांग्रेस की MLA नीतू सिंह चाहती हैं कि महिला आरक्षण हो और किसी महिला को इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद मिले। ऐसे में नीतू सिंह जो है वो बीते दिनों भी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंची थी और उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि जब राजद से महिला विधायक मंत्री बन सकती हैं, जब जदयू से कोई महिला मंत्री बन सकती है, तो भला कांग्रेस से कोई महिला मंत्री क्यों नहीं बन सकते। एक बार फिर से नीतू सिंह की डिमांड जो है वो सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी से, सोनिया गांधी जी से और अपने तमाम आला नेताओं से ये डिमांड करती हूँ, ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि किसी महिला को भी आप इस बार मंत्रिमंडल विस्तार जब हो तो मंत्री पद मिले। इसमें वो खुद का नाम तो दे ही रही है, साथ ही साथ एक और महिला विधायक की नाम उन्होंने लिया है। क्या कुछ कह रही है नीतू सिंह, क्या कुछ डिमांड उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सामने रखा है महिला, किसी महिला को मंत्री बनाने को लेकर के, उनकी तमाम बातों को सुनवा दें। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल जी सबसे मैं मांग कर रही हूँ कि आरक्षण की बात महिला पार्टी, महिला आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी करती है और हमेशा महिलाओं का मान सम्मान दी है। पहली महिला स्पीकर कांग्रेस पार्टी ही बनाई, राष्ट्रपति पहली महिला कांग्रेस पार्टी ही बनाई, तो उस हिसाब से बिहार में जो मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है उसमें हम दो MLA हैं, उसमें किसी एक MLA को महिला कोटा से मंत्री जरूर बनाना चाहिए। किस कारण बस अगर नहीं हो पाता है तो फिर आपका क्या है? तो हम लोग अपना हक हिस्सा हमेशा मांगते रहेंगे, देना नहीं देना ये पार्टी निर्णय लेगी, लेकिन हम लोग का जो मांग है वो हमेशा जारी रहेगा। मांग कर रहे हैं आप, यहाँ के गठबंधन के नेता से मांग कर रहे हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी से बात मांग कर रहे हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में दिलवाएं, और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उससे लंबे समय से तो मंत्री नहीं बने हैं, क्या करें? उसी के लिए तो मैं कह रही हूँ कि आज नवादा जिला में महागठबंधन के 5 MLA हैं, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे जिला का कि वहाँ न कांग्रेस से कोई मंत्री है, न कोई RJD से मंत्री है, वहाँ भी RJD के 3 MLA हैं। मैं तो तेजस्वी जी से मांग करूँगी कि मंत्रिमंडल में RJD कोटे से ही नवादा जिला में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए।